आप सांसारिक वस्तु के लिए मेहनत कर रहे, काम तो साइकिल से भी चल रहा था, लेकिन अपने सुख के लिए दूसरों को देख करके केवल दूसरे को फॉलो करने के चक्कर में आपने इतने आगे अपने सफर को बढ़ाया और वहां पर ऐसे ही तो नहीं आते, कर्जा लग गया, फिर बैठ करके सिर पकड़ के बैठे, अरे हमारे ऊपर इतने लाखों का कर्जा कैसे चुकाएंगे। तो सुख के पीछे भागोगे तो वह सुख दुखदाई होगा, आनंद के पीछे भागोगे तो आनंद तो संसार में नहीं कथा में आनंद है, आनंद के पीछे भागोगे तो ये आनंद आपको परमानंद तक पहुंचाता है। इसलिए कोशिश करिए भगवान की ओर बढ़ने की, संसार की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होता। जिस दिन हमने अपनी इच्छा शक्ति को धीरे 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 मारने की कोशिश की, मैं ये नहीं कहूंगी अभी के जमाने के हिसाब से गाड़ी होना जरूरी है, आपके अपने सुविधा के लिए काम करिए, लेकिन केवल यही इच्छा को पूरा करने के लिए इतना भाग दौड़ मत करिए जिसके कारण आपको केवल दुख ही प्राप्त हो। और कुछ भी काम करिए तो केवल दूसरों के जलन के कारण मत करिए, ये भौतिक ताप है। केवल आप दूसरों से जलन के कारण अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो जीवन के इस सफर में आप सफल होने वाले नहीं हैं। आप इसलिए आगे बढ़िए क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आप किसी से नहीं जल रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, कर्म आप करिए, फल देने का काम उनका है। सरल भाव से, सरल स्वभाव से, सुंदर विचार से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। जिसके जीवन का लक्ष्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं होता, वास्तव में वही व्यक्ति सफल हो जाता है। प्यार से बोलो।